वरना आर्टिस्ट के खुद के चैनल पर बहुत बड़ा रिस्क रहता है गाना। हम जब भी गाना अपलोड करते थे हमें डर रहता था कि पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी आप सभी ने हमारा साथ दिया हमेशा, और उम्मीद है ऐसी साथ देते रहेंगे। अभी जो स्पीड रिकॉर्ड पे आया था पिंच गाना, वो भी 21 मिलियन के करीब हो चुका है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पंजाबी चैनल पर जहाँ सारा पंजाब का क्राउड होता है, उसके अंदर हरियाणवी गाना चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वो भी 21 मिलियन जा चुका है इवन इन लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा हुआ है, एग्ज़ाम में आया था वो, बच्चों के जब एग्ज़ाम चल रहे थे तब आया था गाना, फिर भी लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद चाहते हैं। और अभी भगत गाना आया हुआ है, आप सभी ने सुना ही होगा, कैसा लगा वो आप ही बताएंगे, हम तो अपनी तरह से सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ये गाना 5 मिलियन हो जाता है, उसके बाद हम अगला गाना अपलोड करेंगे चैनल पर, अभी बैक टू बैक अपलोड करेंगे चैनल पर, क्योंकि हमारे भाइयों की यही डिमांड है कि लॉकडाउन में हमारा मनोरंजन किया जाए। तो कलाकार देखिए, हम मनोरंजन के लिए हैं आपके, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पर मेन बात यही है घर पर रहना। हेलो भाई, नाम ले लो, सुदेश बिश्नोई जी, राम राम, आखर कति मजा आ गया, लव यू, थैंक यू सो मच। गुलजार भाई, आपके सॉन्ग हमेशा हिट, नहीं सर हिट तो देखिए आप सब उसे सुनने के बाद बनाते हैं, होते नहीं है वो गाना, हिट होता नहीं है कोई भी, उसे जनता बनाती है, कोई भी कलाकार हो यही सोचकर गाना डालता है, उस हर एक कलाकार की हर एक गाने में मेहनत होती है, मगर उसे सफल जनता ही बनाती है। तगड़ा गाना है भाईजान, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाकी आप शेयर कीजिएगा जितना हो सके, हमें वैसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी, हर बार हमारे जो जितने भी भाई हैं वो करते हैं, और जितने टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं भगत गाने पर वो हमें मेंशन करें, और हमें हम उसे स्टोरी में लगाएंगे, जो हमें 10 वीडियोस सबसे अच्छी लगेंगी वो हम पोस्ट करेंगे। आप भी ख्याल रखो भाई अपना, जी ज़रूर, हम भी सर घर पर ही हैं, वरना वीडियो लाते भगत की, मगर अब घर से काम करेंगे क्योंकि मनोरंजन भी ज़रूरी है भाई। नेक्स्ट सॉन्ग का नाम वो आप हम बता देंगे, देखिए अभी अगर बता देंगे तो वो ही है, थंबनेल लग जाएंगे और फिर अपलोड हो जाएंगे बहुत सारे, आपको रियल का भी पता नहीं लगेगा, मगर अभी जो गाने आएंगे वो हमारे चैनल पर ही आएंगे। नमस्ते गुलजार भाई जी, नमस्कार नमस्कार भाई, सुना दे भगत सॉन्ग ज़रूर सर। किस दूसरे के बाजू आम बाजू गाल के तन्ना जिंदे जिए मार गेरा छोरा गाम का, नस काट दाना माई मेरी रोक मर जा, मन राख त मिटाया टडू तेरे नाम का, गेल्या ओसला था कि मैं बने जान का, गेल्या ओसला था कि मैं बने जान का, पर हाथ में लकीर कोन्या थी, रे यार पूछे क्या था कान पड़ वाली रम रे आली हीर कोन्या थी, क्या था चौक में बिठा के गोली मारी ना रम रेड़ी जमीर कोन्या थी। अलख निरंजन ओले बाबा धोखेबाज का पहाड़ कान पे। आपके सर मनोरंजन के लिए बनाया गाना, आप सुनिए, प्यार दीजिए, अच्छा लगे तो दूसरों को सुनाइए। इवनी ना कह दियो मना कोई बाहर बड़े हो रहे हैं, क्यों मना बेरा हर बार कहो तुम, नाई की दुकान खुली को नहीं एक बार। धन्यवाद भाई जी, जी धन्यवाद की सर क्या बात है, हम आपके मनोरंजन के लिए तो बैठे हैं। लव यू गुलजार भाई, लव यू टू लाडले, बहुत बार मिलने आया भाई पर आप घर पर नहीं मिले जी। सर आप कॉल करके आइए, हम ज़रूर मिलेंगे, कभी कभार हो जाता है शूट पर गए हो या कहीं इधर उधर, तब आप घर पर आते हैं तो फिर मिलने के आसार कम होते हैं, आप कॉल करके आइए ज़रूर। गॉड फादर गा दीजिए, लाडले म्यूटे हो जा करे बकवास ना, हाथ में गलोक लेके बने बदमाश ना, रे जड़े तू मिटाला ते मसले, मेरी आख्या के इशारे आले साइन करे सहे, महाराजा महाराजा कह के न बुलावे नाम, गोड फादर देख साइन करे सहे। अगला गाना जो है वो बहुत अलग है, पहली बार ऐसा कुछ करने हम, जो अगला गाना लेके आ रहे भगत की बात,
वो भी अपने चैनल पर ही आएगा। पर जैसे ये 5 मिलियन हो जाएगा तब भगत गाना जैसे 5 मिलियन क्रॉस करता है हम अगला गाना अपलोड कर देंगे। सर सर गाना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया ये सर हम भी नहीं जानते क्यों नहीं आता। व्यूज़ भी पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, बट हो सकता है कि एक बार वो कहते हैं ना कि ट्रेंडिंग लिस्ट भी एक बार किसी चैनल पर क्लिक कर देती है ना तो फिर वो आना शुरू हो जाता है। अभी तक हमारे चैनल पर एक बार क्लिक हुआ नहीं है वैसा कुछ, तो हम भी यही आशा करते हैं आ जाएगा कभी ना कभी तो आएगा। बाकी हमें सर गाना चलना चाहिए ट्रेंडिंग से, इतना वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंडिंग अभी पिंच गाना आया था वो 1 हफ्ते तक रहा था 1 ट्रेंडिंग पर, ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है। गरीब भाइयों की मदद करेगा भाई जी ज़रूर। देखिए हम भी कोई अमीर नहीं है, सभी गरीब ही हम हाँ मैं भी मिडिल क्लास की फैमिली से ही हूँ आपकी तरह ही। प्लस टू करने के बाद समझ नहीं आया क्या करेंगे लाइफ में, मगर पैशन के पीछे पड़ गए, मेहनत की हुई थी कुछ और आज आपके सामने है। मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है भाई। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी ज़रूर सर, जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है उसके बाद आप आइए, मोस्ट वेलकम आपका हमारे गांव में। भाई मुझे वीडियो पर लो, वीडियो पर सर अगर हम लेंगे तो काफ़ी भाई हैं, सभी अगर एक को लेंगे फिर सभी नाराज़ हो जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं मैसेजेस में आपसे। जुग जुग जीवे तेरा यार सॉन्ग सुनाओ जी ज़रूर सर। है क्या दा चार छल्ले आली तने लेगी गाल के है क्या दा चार छल्ले आली तने लेगी गाल के मेरा रोवे सब राज खड़ा किला में ए तने जुड़ गने आप लाल चूड़ा ले लिया ए मेरा प्यार था खिंडाया क्या ते दिला में ए जाए जुग जुग जीवे तेरा यार के तू भी जुग जुग ही जी लिए। बाकी सर मैं यही कहूँगा जितने भी कलाकार हमारे भाई अभी अभी शुरू किए हैं उन्होंने शुरुआत की है तो कभी ये मत सोचना इंडस्ट्री में पैसे से चलते हैं किससे चलते हैं, मेहनत चलती है सर, मेहनत करेंगे तो आगे आओगे। इंडस्ट्री इस समय मेहनत मांगती है, पैसे वालों की नहीं चलती, सीधी सी बात बता रहे ना ही चलने देंगे। आइए आप किसी भी फैमिली से कुछ भी बिलोंग करते हो किसी को कोई उसे मतलब नहीं, आप एक टैलेंट है तो सर आपको ज़रूर सपोर्ट किया जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं। अगर आपका गाना कोई और कंपनी नहीं अपलोड करती है तो हम करेंगे, मगर पीछे मत हटिएगा। कुछ भाई होते हैं 6-7 साल मेहनत करके उसके बाद कहते हैं कि कुछ बन नहीं पाएगा ये करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता सर, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं कल पर मिलेगा सर। हरिद्वार वालों की ओर से राम राम, राम राम जी, राम 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 राम। बाकी सर भगत सॉन्ग 2 मिलियन क्रॉस हो चुका है, बैकहेड पर तो वैसे 1.5 मिलियन दिखा रहा है तो बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि ये लिरिकल वीडियो है। और इसके बाद जैसे ये 5 मिलियन हो जाता है हम अगला गाना अपलोड करेंगे चैनल पर, तो आप सुनिए सुनाइए सभी को, शेयर कीजिए, टिकटॉक वीडियोज़ बनाइए, हमें मैंशन कीजिए, हम स्टोरी अपलोड करेंगे और जो 10 वीडियो सबसे अच्छे लगेगी हम पोस्ट करेंगे उसे। मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते मुझे सर, किसी के नहीं करते, ये जो डांसिंग सिंगिंग ये जितने भी आर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है इनमें जब तक खुद को प्रूव ना किया जाए, घर वालों के जब तक हाथ में ला के पैसे ना दिए जाएँ उस चीज़ से तब तक घर वाले नहीं मानते, पहले खुद को प्रूव करना पड़ता है। तो खुद को प्रूव कीजिए तभी वो मानेंगे, हमारे भी घर वाले नहीं मानते थे, कहते थे ये काम हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए उनका भी नाराज़ होना जायज़ था क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे की फिक्र रहती है कि इसका आगे करियर जाके क्या बनेगा क्या नहीं, तो वो यही चाहते हैं कि बच्चा सेटल हो जाए। और ये जो डांसिंग सिंगिंग ये जितने भी आर्ट से रिलेटेड हैं इनमें उन्हें जब तक नहीं विश्वास होगा, जब तक आप कुछ प्रूव करके नहीं दिखाते, हमने खुद को प्रूव करके दिखाया तभी आज सब साथ है।
भाई कीप इट अप, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फाड़ फाड़ सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग कैसे बनाया था? फाड़ फाड़ सॉन्ग सर हमने लैपटॉप के अंदर बनाया था एक, तब हमारे पास ये स्पीकर या स्टूडियो वगैरह नहीं था। हमने क्या किया था, ये जो जैसे आइसोलेशन होती है रूम की, सिखाया जाता है आइसोलेशन जो होती है, फोम वगैरह लगा के दीवारों पर, तब हमने रजाइयाँ जो होती हैं घर की वो लगाई थी जिससे कि आवाज़ बाहर ना जाए। और 3,000 4,000 का वो अलग से माइक लिया था एक, उसके अंदर वो गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो कुछ कहते हैं ना कि बड़े स्टूडियोज होने चाहिए, उसके अंदर मिक्सिंग मास्टरिंग होनी चाहिए, ये वो कि मना चाहिए, बंदा के अंदर लगन होनी चाहिए, कुछ भी बना देगा वो। मना ठुकराल का स्पीकर मिक्सिंग मास्टरिंग करी थी फट फट की, समझे ना, मना मिक्सर लिया ना कुछ और, सिर्फ लैपटॉप और वे ठुकराल के स्पीकर। और आज हम देख रहे फट फट 60 मिलियन जा रहे भाई, वो है बात है, लगन चाहिए लाड लो, लगन लगाए रखो कि मैं जरूरत नहीं था हमने उनकी। वे मान लो कि अगर हाथ हम आगे और ज्यादा क्लेरिफाई करना चाहो गाने ने, तब जरूरत पड़े उनकी। मिक्सर तो ईपी को यूज करता, मैं सारा कंप्यूटर में काम करूंगा, बाकी हर चीज खुद। अगर पंगे लेओगे ना जद्दे आओगी, अगर सोचोगे चलो उस तक करा लिया, वीडियो उस तक करा लिया, मिक्सिंग मास्टरिंग उस तक करा लिया, हमने यो नहीं करना पड़े वो नहीं करना पड़े, तो भाई साहब नहीं सीख दे, मना भी नहीं सीखा था। ओड़ा 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 मिक्सिंग मास्टरिंग, जब मैं वीडियो शूट करा था ना फाट फाट की, जब मिक्स मास्टर भी कौन था वो गाना कैप है सुना था। तो उसके बाद फिर मैंने पंगे लिए उसके लिए, नेट पर सर्च मारा, जद जाके वो गाना साफ बात चला गया, फिर मन लग गया हाँ मिक्सिंग मास्टरिंग इसकी होगी। उसके बाद में लोग मैंने नहीं पूछा थे मिक्सिंग मास्टरिंग कितना कराई इसकी, तो फिर मैंने खुद करी थी ठुकराल के स्पीकर में। उसकी गाड़ी में बजा के सुनिया साफ बात जाएगी, एयरफोन में बजा के सुनिया साफ बात जाएगी, बहुत वापड़ वे ले लाड लियो, सबने बेलने पड़े हैं। अगर तुम सोचो कि 1 साल में 2 साल में सिंगर बन जाए है, या और मेहनत लागे लाडल, बहुत मेहनत लागे है। कोई भी सिंगर हो, कोई भी अगर वो गाना अपलोड करा है तो उसकी बहुत मेहनत लागेड़ी हो उसमें, चाहे वो चल रहा ना चल रहा गाना बात अलग है, मगर मेहनत हर गाना में लागे है। राम राम लाडल, राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम। और बताओ रांडा पार्टी सुनावा। ये सेटिंग यार लंडा ला लो नी ते फिल्टर पटेंगे, फोन पे बेबी क्या बनिए कितते डिप्लोमा काटेंगे, रपुरा सिका का फूकना सचो कर गली में धारे रांडे आए से, बाबा माल टाखी मार गए दो कर गली में धारे रांडे आए से। पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? पहले हम कवर सॉन्ग्स बनाते थे, जैसे कोई भी गाना आता था हमें लगता था कि ये गाना अभी अच्छा चल रहा है तो उसका कवर सॉन्ग बनाते थे, तब हमारे 200 व्यूज 150 व्यूज ऐसे आते थे, हमारे सब्सक्राइबर थे 150। वो चैनल आज भी कहीं यूट्यूब पर पड़ा है, हमें जब भी कभी डीमोटिवेट होते हैं या थोड़े से वो हो जाते हैं माइंड से, तो उस चैनल को जाके देखते हैं कि ये ओरिजिनल चैनल था मेरा जिस पे आज पता नहीं 201 या 245 सब्सक्राइबर आज भी पड़े हैं उस चैनल पर। और फिर अब वाले को देखते हैं, गुलजार शानी वाले को, जिस पे अभी 4 मिलियन होने को जा रहे हैं, तो सोचते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है तो अब तो हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। यही सोच सोच कर खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। बाकी आप सभी का प्यार है जो आप मैसेजेस करते हैं, हम मैसेजेस पढ़ते हैं, सभी मैसेजेस पढ़ते हैं हम। दिल्ली फेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट में जी सर ज़रूर आएंगे। ये लॉकडाउन खुल जाता है उसके बाद, अभी बीकानेर का भी शो था हमारा, भीलवाड़ा का भी था, वो रुक गए लॉकडाउन की वजह से, वो लॉकडाउन के बाद ही होंगे। भाई मेरे घर वाले सपोर्ट सपोर्ट नहीं करते इस काम में, पढ़ाई कर लिया कर। जी ज़रूर सर, पढ़ाई साथ में करनी चाहिए, ये चीज़ें सेकेंडरी होती है, जो डांस सिंगिंग ये जो भी आर्ट से रिलेटेड होती हैं, पहले अपना करियर सेव कीजिए कि हाँ अगर मैं ये ना कर पाया तो मेरे पास ये तो करने को है, ऐसा करके ही चलना पड़ता है सर। वरना अगर एक के पीछे तभी चलिए अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आप पर, तभी। भगत सॉन्ग टॉप है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी आपको कोई भी चीज़ से दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी वीडियो ऑडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो आपको हम बता देंगे आपको।
कोई हवा नहीं है इतना बड़ा ये। कुछ लड़के क्या करते हैं, नया नया शुरुआत करते हैं तो पैसे लगा देते हैं घर वालों के, म्यूजिक वाले को जितना मांगा उसने दे दिया, 20,000 में म्यूजिक बना दिया, वीडियो वाले 30,000 में ले लिए। पहले उस चीज़ के बारे में जानिए कि इतने लगते भी हैं, काफी ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं होता बॉस। कहाँ पढ़ रहे हो आप मैसेज? मेरा तो नहीं पढ़ा आपने। नहीं, हम पढ़ते हैं सभी के मैसेज पढ़ते हैं सर, दोनों साइड में चल रहा है ना फोन, इधर फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सारे सॉन्ग जमा गच्चा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगत गाने ने दुम्मा उठा दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुम्मा थमने उठाया है, मना तो अपलोड कराया है। दुम्मा हमेशा पब्लिक ठाया करे। गजब भाई, आई लव योर सॉन्ग्स ऑलवेज। सारे पुराने गाने सुने हैं, सारे पुराने सुनने बंद कर दिए हमने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीकानेर आओ तब ज़रूर सूचना करना लाडले जी। ज़रूर सर, हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे भी अगर आप अपडेट वाले जितने चैनल्स हैं उन्हें भी हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी अपडेट देनी हो तो आप एक बार क्लेरिफाई कर लीजिएगा। हम इंस्टाग्राम स्टोरी में वो चीज़ें बता देते हैं, चाहे वो गाना आने के बारे में हो या कुछ भी हो। ऐसे किसी भी चीज़ पर विश्वास मत कीजिएगा। कितना खर्चा आता है सर एक सॉन्ग में, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसा बनाना चाहते हैं उसको। हमने फाड़ फाड़ 10,000 में बनाया था, जिसमें हमने गाड़ियाँ भी रेंट पे बुलाई थी और म्यूजिक, क्योंकि हमारा खर्चा इसलिए बच गया, म्यूजिक भी खुद कर रहे थे, लिरिक्स वगैरह सब कुछ खुद कर रहे थे, इवन मिक्सिंग मिक्सिंग मास्टरिंग भी, इवन एडिटिंग भी। एडिटिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने 10,000 भी किसी दोस्त से उधार में लिए थे, उसे कहा कि बाद में दे दूंगा। और बाद में फिर एडिटिंग करवाने गए तो उन्होंने कहा कि सर 6,000 रुपये एडिटिंग के लगेंगे। हमने कहा कि इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, फिर हमने खुद किया था वो एडोब प्रीमियर डाउनलोड करके किसी तरह सीख साख के, जैसे भी कलर ग्रेडिंग की। उसके बाद फिर लड़के कहते हैं भाई हम तो इसमें साफ नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने ड्रोन के शॉट्स ज़्यादा डाले थे उस गाने के अंदर, तो मन हमारा चला गया ब्यूटी प्लस हो गए, थोड़े सारे लाल टमाटर वर्गे कर दिए। आप देखोगे उस वीडियो ने आपने बेरा पटेगा, बस सारी एडिटिंग उन्होंने करी थी। एक जुनून होना चाहिए लाडले काम करने का, कोई भी काम हो जाए। अगर थम गाने फेमस होने खातर निकालो हो तो छोड़ दो, कोई जरूरत को ना। जो जुनून होना चाहिए, चाहे कोई सुना है ना सुना है, मगर थमने गाना है, हम अपने मजा खातर गाओ, वही हुआ है। मेरे बच्चों को आपके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। एक देशभक्ति गीत सुनाइए। देशभक्ति सर हमारा मेडल आया था, बाडर बनाने, सॉरी, बाडर बनाने आले भाई रे, तेरे बाडरा ने भाई मेरा खा लिया, तैयार करी थी संदूक जद जावे था, वो तो मार के सलूट से दिखावे था। आपने सुना ही होगा सर, बहुत अच्छा गाना गया वो भी। घर भी तो चलाना होता है जी, जरूर घर भी जरूरी है सर चलाना, पैशन के साथ साथ वो भी देखना पड़ता है, तभी तो घर वाले मना करते हैं। वो यही डरते हैं कि घर बच्चों का क्या करियर सेट होगा क्या नहीं, इस लाइन में खुद को प्रूव करना दिखाना है करके दिखाना पड़ता है, और अपना एक करियर सेट करके रखना पड़ता है कि अगर मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं वो तो कर ही लूँगा। आपका फाड़ फाड़ सॉन्ग गजब था, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, और जैसे ही इस गाने पर 5 मिलियन पूरे होते हैं भगत पर, हम दूसरा गाना अपलोड करेंगे चैनल पर। अभी सारे गाने हमारे चैनल पर ही आ रहे हैं। भीलवाड़ा कितना था सो बताइए भाई, मैं सहरसा हूँ, चित्तौड़गढ़ रहा करूँ, भीलवाड़ा के आसपास ही। हम बता देंगे सर, पोस्ट डाल देंगे, उसके अंदर एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होगा। भाई गाना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया, पता नहीं सर क्यों नहीं आया, हमें भी नहीं पता चल रहा। गोविंद और बाकी टीम कहाँ है? गोविंद और बाकी टीम सर बाहर सोई हुई है आजकल, वह साला लॉकडाउन में रात न जागते रहे सारी रात, लूटो खेले जाए दिन में सोना। बाकी तो बढ़िया चल रहा है सर, घर पर रहिए, सेफ रहिए, यही कहना चाहेंगे सभी को, और घर वालों के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड कीजिए। भाई एक भाई एची की तय कौन सी नस्ल की है? एची सर पग नस्ल की है। एची इधर इधर आजा 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 आजा, ये हमारे ओल लाइट बंद कर दी भाई एची ने, तारी ला इधर।
आ जा या भाई अच्छी। इन 8 साल हो गए भैया, छोटी ही लाया था मैं, मना शौक है जानवर का। बाकी भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने लाग रहे हो, नहीं बनाए रखो तम प्यार तो जिदे माई रोजी रोटी चल रहे हैं, कलाकार की रोजी रोटी जनता की वजह से ही चल रहे हैं, तुम प्यार बनाए रखोगे तो चलता रहेगा। राम राम। यो कर दिया इंस्टाग्राम पर बंद, अरे यो कर दिया।